दिलवालों के दिल्ली के स्टेट फेयर में हम पहुंच गए हैं, दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे के काउंटर पर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बनाया जा रहा है कुलचा, जिसे गर्म किया जा रहा है मक्खन में, और साथ ही तैयार हो रहा है वहां पर छोले। लेकिन ये छोले कुलचे बनते कैसे हैं, ये कुलचे कहां बनाए जाते हैं और इन्हें क्या कुछ किया जाता है, जानते खुद इनके साथ ही। छोले कुलचे कहां कैसे तैयार किए जाते हैं? ये कुलचे पहले छोले उबाले जाते हैं, मटर कुलचे, और फिर इसमें मसाले डाल के ये बनाया जाता है। ये कुलचे होते हैं जो सेका जाता है मक्खन में, ये जब तैयार होता है ये कुलचा रेडीमेड आता है, इसको सेका जाता है मक्खन में। तो यही पर मौजूद है यहाँ पर छोला कुलचा और कुलचे, जिन्हें तैयार किया जा रहा है अभी, मक्खन लगा के इसकी सिकाई की जा रही है और साथ ही छोले भी तैयार किए जा रहे हैं। खाने में ये कैसे लगते हैं ये भी हम आपको टेस्ट कराएंगे कि आखिर कैसे ये सबकी जबान पर चढ़े हैं और इस चटपटे बाजार में लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आखिर क्यों आ रहे हैं दिल्ली के मशहूर छोले और कुलचे। और इतने सारे फूड कोर्ट के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं बिहार के फूड कोर्ट में, जहां की जो लिट्टी चोखा है वो काफ़ी फेमस होता है। लिट्टी चोखा के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं खाने के लिए, व्यंजन जैसे बिहिया पूड़ी सब्जी है, सत्तू पूड़ी सब्जी के साथ है, कचौड़ी चना सब्जी के साथ है, लिट्टी चोखा तो जैसा कि आपको बताया ही है, इसके साथ मकई की रोटी हाथ से ठोकर साग के साथ, इसका खाने का जो जायका है वो अलग ही होता है। और खाकर आपके मुँह से अगर बाहर नहीं निकला तो कुछ नहीं, आप खाकर एक बार बात जरूर बोलेंगे। और इस वक्त हमारे साथ इसके जो संचालक हैं, जो यहाँ पर लीड कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे लिट्टी चोखा के बारे में कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो बिक्री हुई है वो आपकी कैसी चल रही है? पिछली बार की तुलना में इस बार बिक्री बहुत कम है। क्या कारण मानते हैं? मंदी का कुछ ऐसा लग रहा है, बाजार में उतना आदमी का वो भीड़ भाड़ नहीं है जो पहले हुआ करता था। और लिट्टी चोखा का दुकान में पिछले 15 वर्षों से लगातार लगाते आ रहे हैं और हर साल की अपेक्षा रिस्पॉन्स इस बार उतना अच्छा नहीं है। वैसे जो लिट्टी चोखा है वो बिहार का प्रमुख व्यंजन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो लिट्टी चोखा को पसंद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि बिहार के जो लोग हैं उन्हीं को ये पसंद है, बिहार से अलग जो लोग हैं किसी भी राज्य के हों उनको लिट्टी चोखा काफ़ी पसंद है, इसीलिए इतनी यहाँ भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जानना चाहते हैं लिट्टी चोखा के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ इस बार हैं, क्या कुछ इस बार खास व्यंजन है? बिहिया का पूरी और सब्जी कुछ खास में से है, और मकई का रोटी साग भी खास में से ही आता है, इसको सबको मिला करके इस बार किया गया है। और सब मिलाने के बाद जो खाने वाले लोग पसंद कर रहे हैं, जिनको जो खाना है उनके हिसाब से दिया जा रहा है। तो लिट्टी चोखा जो है वो बिहार का प्रमुख व्यंजन है, एक जो बिहार के लोग हैं उनको तो उसकी रेसिपी शायद आती ही है बहुत सारे लोगों को, लेकिन जो बाहर के स्टेट के लोग हैं उनको लिट्टी चोखा इतना ज़्यादा बनाना नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं वो लिट्टी चोखा बनाने की रेसिपी भी आज सीख रहे हैं, तो आप बताइए। लिट्टी चोखा बनाने के लिए पहले हम लोग चना का सत्तू और इसमें अदरक नींबू मिर्ची अचार का मसाला सब मिला करके सत्तू तैयार करते हैं, और उसके आटे के अंदर भर करके आग पर सेक करके बनाते हैं। सेकने के बाद उसको शुद्ध घी में डुबो करके खाया जाता है। उसके साथ चोखा में आलू बैंगन टमाटर अदरक लहसुन मिर्चाई सब मिला करके बॉयल सब्जी तैयार किया जाता है, जो लिट्टी का एक प्रमुख अंग है जिसको चोखा कहा जाता है। उसके साथ सरसों का चटनी रहता है। जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे शायद ये पता चला है कि लिट्टी चोखा जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक या दो दिन तक ही खा सकते हैं, उसको काफ़ी दिन तक भी रखा जा सकता है, तो किस तरीके से वो बच के रहता है? मतलब उसमें अदरक लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करने से वो 15 दिन 20 दिन तक भी रह सकता है, रहता है। हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी आपने दी कि किस तरह से लिट्टी चोखा बनाया जाता है। इसके साथ ही लिट्टी चोखा किस तरीके से बनाया जाता है वो रेसिपी तो आपने यहाँ पर बना दिया, लेकिन किस तरह से जो वर्कर है वो यहाँ पर लिट्टी चोखा बना रहे हैं वो भी हम देखना चाहेंगे।
और लिट्टी चोखा किस तरीके से बनाया जाता है वो हमने आपको बताया। अब बिहार के ही एक और स्टॉल पर हम पहुंचे हैं, जहां पर मैं देख रही हूं कि यहां पर एक नई चीज दिखाई दे रही है, अनरसा तिलकुट लाइट लाई यहां पर दिखाई दे रही है। अनरसा हो सकता है कि जो बिहार के लोग हैं उनके लिए नया नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे लोग यहाँ प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में पहुंचे हुए हैं, शायद उनके लिए ये अनरसा नया हो सकता है। अनरसा किस तरीके से बनता है ये जानने की हम कोशिश करते हैं मनीष जी से। मनीष जी, दर्शकों को बताइए कि सबसे पहले अनरसा है क्या? ये अनरसा चावल काटा में मावा ड्राई फ्रूट देकर के बनाया जाता है। ये बिहार का बहुत फेमस मिठाई है। ये बिहार में बहुत ज़्यादा पर्व वगैरह में भी चलता है। इसे देखे टेस्ट करके, ये बहुत स्वीट आइटम है। ये बिहार का बहुत गर्म में एकदम ताज़ा बनता रहता है यहाँ, और ताज़ा ही लोगों को इतना पसंद करते हैं, लोग एक साल इंतजार करते हैं इसका। ये बिहार का बहुत फेमस मिठाई है। बता रहे हैं उससे ज्यादा मुझे ये लजीज लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी है। मैं आप सभी दर्शकों से यही बोलूंगी कि अगर आप ट्रेड फेयर में आते हैं तो अनरसा जरूर खाइए। मैंने पहली बार खाया है, पहली बार टेस्ट किया, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। और मनीष जी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं देख रही हूँ लाई लिखा हुआ है, लाई के बारे में। हाँ, ये है लाई, ये लोग व्रत में भी खाते हैं। इसका दाना पटना बिहार में हाजीपुर में होता है, वहीं से हम लोग दाना लेकर के आते हैं गया से, उसी से ये मावा दे करके मिक्स करके बनाया जाता है। उसी ये लोग व्रत में भी खा सकते हैं, पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो मनीष जी से ज्यादा कुछ हम पूछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और मनीष जी बहुत ज्यादा बिजी हैं इस वक्त। ग्राहक काफी पहुंचे हुए हैं, अनरसा का स्वाद वो चख रहे हैं। तो अनरसा बनता कैसे है ये भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो अनरसा तैयार कर रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है अनरसा, मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो अनरसा बनता कैसे है ये हम जान लेते हैं। अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, हाँ जी, बताइए दर्शकों कैसे अनरसा। ये चावल के आटे को पहले चावल को धो के पिसवाते हैं, उसके बाद इसको चीनी के चाशनी को तैयार करके उसमें घाटते हैं। उसके बाद जब ये टाइट हो जाता है, ये चावल का आटा है, इसको भून लेते हैं खोवे की तरह। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो उसमें खोवा, इलायची, ड्राई फ्रूट वगैरह दे करके भर के इसको घी में तलते हैं। कितने दिन तक ये चलता है? ये एक सप्ताह चलेगा। एक सप्ताह चलेगा। खराब नहीं होता है? खराब नहीं होता। बता दें कि एक हफ्ते तक जो है अनरसा चल सकता है, और खासतौर पर बिहार में ये बनता है, लेकिन बिहार के बाहर अगर कोई मंगवाना चाहता है तो एक हफ्ते का ये टाइम होता है। एक हफ्ते तक आप इसको अपने घर में रख सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं, इसका स्वाद चख सकते हैं। ये ताए में ओवन में रख दो, ये 2 मिनट के लिए गर्म हो जाएगा, फिर स्वाद आ जाएगा उसी तरीका। शुक्रिया इतनी सारी जानकारी साथ में देने के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा व्यंजन जो मुंह में रखते ही गायब हो जाता है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं बुढ़िया के बाल यानी कैंडी की, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कैंडी की, जो बड़े हों या बच्चे हर किसी को पसंद होती है। आपने अधिकतर कैंडी इस तरह से पैकेट में पैक देखी होगी, आपके घर, आपके अड़ोस पड़ोस में जो बेचने वाला आता है उसके पास इस तरह की कैंडी देखी होगी। लेकिन कैंडी बनती कैसे है चलिए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कैंडी यहाँ पर बनाई जा रही है। ये मैडम, ये शुगर से बनती है, ये चीनी होती है, इसे मशीन में डाला जाता है, मशीन इसे गर्म करती है और इसे उसके बाद उसे एक डंडी पर लिपेट जाता है, ऐसे ही बनती है। और अब बात करते हैं उस राज्य की जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, यानी देश का सबसे बड़ा राज्य। जी हाँ, सही पहचान आपने, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। इस बार उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या कुछ खास किया है इस ट्रेड फेयर में, क्या कुछ आपके लिए खास व्यंजन तैयार किए गए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आज फूड बाजार में हमने काफी कुछ आपको दिखाया, बहुत सारी रेसिपी भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जो व्यंजन है वो तैयार किए जाते हैं, क्या कुछ जायकादार यहाँ पर है ये हमने आपको बताया। लेकिन जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ, कुछ युवा भी हैं, उनका क्या कहना है, उनको सबसे ज्यादा कौन से राज्य का खाना पसंद आया ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं यहीं से दिल्ली से के आसपास से बॉर्डर से हूँ मैं, मेरे को सबसे ज्यादा रेसिपी अच्छी लगी महाराष्ट्र की पाव भाजी।
दिल्ली का खाना सबसे बढ़िया लगा यहाँ पे। मैं हरियाणा से आया हूँ और मुझे पंजाब का खाना बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें कई वैरायटी थी। मुझे यूपी के क्या नाम है मलाई कोफ्ता अच्छा लगा और ये पाव भाजी अच्छी लगी। और इतने सारे फूड कोर्ट का खाना खिलाने के बाद क्या कुछ खास है ये बताने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं दिलवालों की दिल्ली यानी दिल्ली के फूड कोर्ट में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि दिल्ली में दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे काफ़ी फेमस हैं। दिल्ली के जो छोले भटूरे हैं उनको दूर दूर से खाने के लिए लोग आते हैं और जो दिल्ली का स्टॉल लगाया हुआ है इस बार नंद किशोर जी ने लगाया हुआ है, तो इस बार छोले भटूरे में क्या कुछ खास है? दिल्ली की मेन आइटम छोले भटूरे है, कुटे पे अपने मसाले खुद के होते हैं, बढ़िया दिल्ली के नाम से बढ़िया भटूरे चल रहे हैं अपने, पहाड़गंज में अपनी दुकान है, पुरानी दिल्ली में है, बस यही कुछ है अपना। वैसे जो मसाला होता है जिससे जो हमारे व्यंजन बनते हैं वो मसाला काफ़ी महत्व रखता है, तो मसालों के बारे में? वो सारे खड़े मसाले होते हैं हमारे जितने भी होते हैं, इसके कम से कम मेरे ख्याल से 120 मसाले के आसपास होते हैं, वो सब कूट करके मिला करके फिर हम लोग बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं थोड़ा सा वो भी बता दें? उनको मिक्सी में कूटा जाता है, कूटने बाद छोले उबालना होते हैं, उबालने के मिक्सी मसाला मिक्स करने के बाद फिर उसके अंदर डाल करके फिर बनाते हैं, फिर ऊपर से अजवाइन का तड़का डालते हैं, बस ग्रेवी बना कर रखते हैं। रेशु, दिल्ली के इस स्टॉल पे खास चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो है ये है कि नंद किशोर जी के स्टॉल पे मूली के लच्छे लगाए गए हैं, क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह कहीं प्याज की बढ़ती कीमत तो नहीं हो सकती है? प्याज सर इतनी महंगी है, 100 रुपये किलो है, कैसे लगाएंगे आप? प्याज इतनी महंगी है, महंगाई इतनी हो रही है, हर चीज़ सारा ही महंगा आपको पता है, इसलिए प्याज से मूली से गुजारा करना पड़ रहा है। कस्टमर तो प्याज ही मांग रहे लेकिन नहीं दे पा रहे, हमारे प्रति नहीं खा रहा, क्या करें? जो पिछला जो ट्रेड फेयर था और इस बार का जो ट्रेड फेयर है, तो इसमें अगर आपकी बिक्री की हम यहाँ पर बात करें तो पिछली बार ज्यादा ही थी या इस बार? नहीं, पिछली बार अच्छी हुई थी, अब की बार मेरे ख्याल से 50% दुकानदारी नहीं है। रीजन आप क्या मान रहे हैं? मेन महंगाई है, सबको ही पता है, तो मेन महंगाई और कुछ नहीं। तो दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे के स्टॉल के साथ ही चटपटे बाजार के सफर को हम यहीं खत्म करते हैं। और बाजार को का जो सफर है वो जरूर यहाँ पंकज खत्म करना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी एनर्जी है वो बिल्कुल डाउन होती जा रही है, इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा बोली हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारा खा चुकी हूँ आज, तो बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो रेशु ने बहुत खा लिया, मतलब ये है कि चटपटे बाजार में वाकई में बहुत कुछ चटपटा मिल रहा है। आप तमाम दर्शक यहाँ आ सकते हैं और दिल्ली समेत तमाम राज्यों के स्टॉल पर जाकर और साथ ही पाकिस्तान के स्टॉल पर भी लाजवाब पकवानों का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ रेशु त्यागी के साथ और मेरे साथ कल हम आपको दिखाएंगे कुछ और खास झलकियां कि क्या कुछ ट्रेड फेयर में चल रहा है। रेशु ने कुछ खास तैयारी भी की आपके लिए? बिल्कुल, वो तैयारियां क्या कुछ हैं ये आपके लिए एक सरप्राइज है जिसको खोलेंगे हम कल, तो देखते रहिए साधना न्यूज़।